और एक सेकेंड एक सेकेंड, निकल बे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काफी डैमेज मिला इसको। और निकल बे, ठीक है। और लुढ़क गया क्या? आजा 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 आजा। ओ एक सेकेंड, इनके ऊपर शायद क्रॉस काम करता है, मैं इसको क्रॉस दिखाऊं क्या? और ओ आग लग गई भाई इसके अंदर। और भी है क्या इधर? ओ भाई क्रॉस की शक्ति देखो। तो ये है सन्स ऑफ द फॉरेस्ट का एपिसोड नंबर 7। और अगर आपने इसके पहले के 6 एपिसोड नहीं देखे तो पहले भाई उनको देख लो, आई बटन में लिंक है। हर बार बोलता हूँ भाई पहले एपिसोड देख लो, क्योंकि पहले के एपिसोड अगर आप देखोगे तो स्टोरी में कनेक्ट कर पाओगे और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बाकी भाई लास्ट एपिसोड में ना हम एक बहुत ही तगड़ी गुफा के अंदर गए थे, जिसके अंदर भाई हमें एक स्नाइपर राइफल मिली थी, एक हमें गोल्डन आर्मर मिला था, और साथ ही हमें कुछ ट्रैप्स वगैरह बनाने के तरीके भी मिले थे। और हमने भाई अपने बेस को भी थोड़ा बहुत और बढ़िया बना दिया था, और उससे आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी इस वाले एपिसोड में। तो जल्दी से भाई उस डरावने से जंगल के अंदर चलते हैं। तो लेट गाइस, हम अपने प्यारे प्यारे से बेस में आ चुके हैं, और लास्ट एपिसोड वाली स्नाइपर राइफल ये रही, जो कि भाई अभी तक हमने टेस्ट करके नहीं देखी ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। और इसकी ना भाई एमओ बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो मैं सोच रहा हूँ कोई तगड़ा सा अगर एनिमी आएगा ना तो मैं उसी के ऊपर इसको टेस्ट करने वाला हूँ। फिलहाल तो भाई इस गेम का ना लेवल थोड़ा ज्यादा हार्ड हो चुका है, तो अब भाई हमारे बेस पर बहुत ज्यादा हमले होने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई अपने बेस की ना थोड़ी सी सेफ्टी में ज्यादा बढ़ा दूं। लास्ट वीडियो में तो भाई मैंने ना ये बेस अपना नीचे से बिल्कुल बढ़िया कर दिया था। अब भाई हमें ना यहाँ पे चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, पहले भाई घास फूस होगी हुई थी बहुत ज्यादा, तो दिक्कत आ रही थी, साफ सफाई थोड़ी कम थी, लेकिन अब भाई ये बेस हमारा एकदम चकाचक है। और फिलहाल तो भाई मेरा प्लेयर भूखा है, तो मैं इसको एक मील खिला देता हूँ, मेरे पास मील की कमी नहीं है। और भाई मेरा ना फूड ये खराब हो चुका है यार, ये मुझे फेंकना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी खराब हो चुके हैं, इनको भी फेंक देता हूँ। और साथ ही ना भाई हमें दो चीजें भी मिली थी, जो कि ये इनका भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है आखिर है क्या। और भाई मुझे एक गोल्डन आर्मर भी मिला था जो कि मैंने पहन रखा है। एक सेकंड, मेरे पास ना बहुत सारे कपड़े हो गए, तो मैं ना वर्जीनिया को फिर से ट्राई करके देखता हूँ कि वो पहन सकती है क्या। केविन को पहना के देखू क्या? नहीं, केविन को तो ऐसे ही घूमने देते हैं, वर्जीनिया को एक बार ट्राई करते हैं ये पहनेगी या फिर नहीं। और एक सेकंड रुक जा भाई। और कपड़ों का यार अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा, लेडीज कपड़े भाई पता नहीं कब मिलेंगे, तो मैं केल्विन को बोल देता हूँ कपड़े पहनने के लिए। और ये वाले ट्रैप भी भाई मैंने बिछाए थे लास्ट एपिसोड में, तो इनको अभी तक हमने टेस्ट करके नहीं देखा भाई ये कितने ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो भाई लग रहा है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और एक सेकंड, ये मैंने शायद ठीक से नहीं लगाया, क्योंकि ये ना भाई दीवार में शायद टकरा जाएगा। इसको उठा के ना मैं, एक सेकंड, ये उठ गया क्या? ओ तेरी भाई टूट गया यार, मेरे ऊपर ही गिर गया ये। तो मुझे ना भाई ये फिर से लगाना पड़ेगा, पहले भाई मुझे इसका ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ये लगने वाला है। और ये रहा भाई इसका ब्लूप्रिंट, ठीक है। इसको मैं लगा देता हूँ कुछ ऐसे के भाई ये स्विंग करे ना, तो ये दीवार से ना टकराए, आई थिंक इतना ठीक रहेगा। थोड़ा ना दीवार से मैं दूरी रखता हूँ इसको, ठीक है। अब इसके अंदर भाई जितनी भी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई है ना सबको मैं लगा देता हूँ, और ये तैयार हो चुके हैं। लेकिन सामने से देखो भाई ये कैसी भीड़ आ रही है। एक सेकंड, मैं कुल्हाड़ी ले लेता हूँ। और ये मेरे भाई ये कितने ज़्यादा तकड़े, और इसके ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं भाई? एक सेकंड, ओह ठीक है, ये चालू हो चुका है। और ओ भाई, मेरे टेस्ट करने के लिए एकदम ये बढ़िया है, लेकिन यार ये कितने खतरनाक जानवर है। मैं ना इस साइड आ जाता हूँ। ओ उतरी, एक सेकंड, आ जा, और ये गया, ठीक है। और ये भी गया, बढ़िया। और आजा, फिर से गया, ठीक है भाई, ये तो मर चुका है, ऑलराइट। और ये वाला भी गया, ठीक है भाई, ये तो खतरनाक ही ट्रैप है, ये तो भाई खतरनाक ही ट्रैप है, मानना पड़ेगा। इसको फिर से रीअरेंज कर देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी भी एक आध जिंदा रह गया है। ओ भाई सारे के सारे ढेर हो गए, वो भाई मैं भी डैमेज हो गया इससे, ज़्यादा खुशी देख लेता हूँ। सारे के सारे ढेर हो गए भाई, थोड़ा सा मेरा बेस बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। और इनसे ना भाई मुझे अब वो मिल जाएगा आर्मर, भाई मज़ा आ गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिक मर गए भाई इनसे, ये कितने ज़्यादा पावरफुल है मतलब। तो मैं ना भाई सबसे पहले तो आर्मर कलेक्ट कर लेता हूँ, और एक आध कोई जिंदा तो नहीं रह गया भाई। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले म्यूटेंट थे यार, इनको मारने में भाई मेरा तेल निकल जाता, लेकिन इतनी आसानी से भाई मैंने इनको मार दिया, मतलब भाई थोड़ा सा मैंने दिमाग यूज़ किया और फाइनली भाई ये मर चुके हैं सारे के सारे। और ये गुफाओं से निकल के आए कैसे बाहर मेरे समझ नहीं आ रहा। और मैं ना भाई फिलहाल ऐसा करता हूँ, ये क्रीप आर्मर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं ना क्रीप आर्मर ही पहन लेता हूँ, 1 2 3 4, और गोल्डन आर्मर उतार देता हूँ। लेदर जैकेट है ना, इसको मैं खुद ही पहन लेता हूँ, ठीक है भाई, लेदर जैकेट है, शायद अब मुझे ना ठंड नहीं लगेगी, वैसे ठंड का मौसम भी शायद आने वाला है बहुत जल्दी। और मैं ना भाई एक हिरण की खाल से भी आर्मर बना लेता हूँ, ऑल राइट। थोड़ी सी मेरी हेल्थ कम है, लेकिन हेल्थ को कम ही रहने देते हैं। इसको मैं काट के बॉडी पार्ट कलेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं यार, बॉडी पार्ट इनसे कलेक्ट नहीं होंगे, ये भाई अलग ही तरह के क्रीप थे,
बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे भाई ये, बहुत ही ज्यादा। मुझे ना इनके ऊपर क्रॉस टेस्ट करके देखना चाहिए था, लेकिन छोड़ो फिलहाल ना भैया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ चुका है। काश भाई वो काम कर जाए। थोड़ी सी ना पहले यहाँ से स्टिक्स में ले लेता हूँ। 3, 2, 1। और केविन ने भाई यहाँ पे काफी इकट्ठी करके रखी हुई है, ठीक है, इतनी आई थिंक काफी होंगी। और अब ना भाई मैं जो सोच रहा हूँ, अगर वो काम कर गया ना भाई, तो हमारा बेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो पहली लकड़ी को ना मैं किधर गाड़ू, मैं ना इधर गाड़ के देखता हूँ। 1, ठीक है। अब मैं अपनी कुल्हाड़ी निकालता हूँ और इसको भाई शार्प कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ना भाई बाहर तक आ चुकी है, और जैसे ही कोई हमारे बेस को हमला करने के लिए आएगा ना भाई, इससे टकरा के वो डैमेज हो जाएगा। एक बार मैं खुद ही टकरा के देखता हूँ, और ये देखो भाई डैमेज होगा बंदा पक्का। और इसको ना और ज्यादा मजबूती देने के लिए मुझे ना 3 पत्थर इसके चारों तरफ लगाने होंगे। ये देखो भाई मैं खुद भी डैमेज हो रहा हूँ इससे, तो मुझे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब ना इसके चारों तरफ, यार ये टूट गई, लेकिन कोई नहीं, मैं फिर से गाड़ देता हूँ इसको। मैं गाड़ देता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे, बढ़िया। और इसको मैं शार्प कर देता हूँ, ठीक है, बाहर तक चली गई ना, ऑल राइट। और अब ना भाई मुझे 3 पत्थर इसके चारों तरफ लगाने हैं, 3 तरफ सॉरी। और ये अब भाई टूटने नहीं वाली, मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुकी लकड़ी। तो ऐसे ही भाई मैं ना चारों तरफ अपने बेस के लकड़ियां लगाने वाला हूँ, जिससे भाई इनको ना बहुत ही ज्यादा मजबूती मिलेगी। इतने इतने गैप पे लगा दूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये कैसी आवाज थी? अच्छा ये हमारे लिए पत्थर लेके आई है भाई, बढ़िया। तो मुझे ना भाई कुछ ऐसे ही लकड़ियां लगाते जाना है, इतनी इतनी दूरी पर लगा देता हूँ, इतनी दूरी पर, ठीक है। यार ऐसे तो भाई बहुत ज्यादा लकड़ियां लग जाएंगी, लेकिन भाई जितनी हो सकती है मैं उतनी लगाने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये ना हमारी सेफ्टी का सवाल है। और एक सेकंड, केल्विन की आवाज है भाई, मुझे लगा फिर से म्यूटेंट आ गए। यार इधर ना भाई मेरे होल्डर लगे हुए हैं, तो ये वाली जगह मैं छोड़ देता हूँ, चलो स्किप कर देते हैं। और फिलहाल ना इन्हीं को मैं शार्प कर देता हूँ। तो ये वाली हो गई, ये वाली भी हो गई, चलो बढ़िया भाई। अब मुझे लगाने हैं इनके 3 तरफ पत्थर, और पत्थर भाई अब बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, तो मुझे भाई बहुत ज़्यादा पत्थर कलेक्टिव करने पड़ेंगे। ये देखो भाई पत्थर खत्म भी हो गए, लेकिन पत्थर तो इधर उधर बहुत मिल जाते हैं। ये देखो भाई बाहर कैसे भाले जैसे निकले हुए हैं, ये कोई भी टक्कर मारने के लिए आएगा ना भाई, उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, लेकिन ये नहीं टूटेंगे, और उसको भाई तगड़ा डैमेज मिलेगा। और ये देखो भाई इस वाले ट्रैप से ना एक हिरन मर चुका है, मतलब ओ तेरी यार मैं खुद डैमेज हो जाता हूँ इससे। मतलब भाई ये वाले ट्रैप ना जो भी यहाँ से निकलेगा, जानवर हो म्यूटेंट हो कोई भी हो, उसकी ऐसी की तैसी करने वाले हैं, ठीक है। और मुझे भाई यहाँ से अच्छा खासा मीट भी मिल जाएगा ना, तो ठीक है मैं ना ऐसा करता हूँ इसको बॉयल करने के लिए रख देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास ना फूड की कमी हो चुकी है। और इनसे थोड़ा मेरे को दूर चलना, भाई भाले बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं ये। और यहाँ पर भी भाई आग बुझ चुकी है, तो पहले तो मुझे यहाँ पर आग जलानी होगी। चलो बढ़िया, और इनको भी भाई लगा देता हूँ, इससे ना आग थोड़ी ज़्यादा देर तक जलती रहेगी। और पॉट के अंदर भाई पानी भी नहीं है, इसको तो खोल ही लेता हूँ। पॉट किधर है मेरा? कुकिंग पॉट, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर पानी, नदी के किनारे घर बनाने का यही फ़ायदा है, तो मैं अनलिमिटेड वाटर मिल जाता है। चलो ठीक है, बढ़िया। इसके अंदर ना भाई मैं हिरन के पीसेस डालने वाला हूँ, और ये कुक हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ भाई जितने भी मैंने यहाँ पे भाले जैसी चीजें लगाई थी ना, सारी की कंप्लीट हो चुकी हैं। ज्यादातर म्यूटेंट ना इधर ही आके हमला करते हैं, बीच बीच में ना थोड़ा सा गैप है, तो मैं सोच रहा हूँ एक एक और लगा दूं, या फिर एक एक और लगा देता हूँ जहां जहां गैप है ना भाई। पूरी सेफ्टी चाहिए मुझे पूरी, और इधर से देखने में तो पता ही नहीं चल रहा किस साइड गैप है, लेकिन यहाँ पे लग जाएगी एक मैं चलो इधर लगा देता हूँ, ठीक है भाई। ये 3 ही आई थिंक काफ़ी, चलो एक और लगा देता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है भाई, ठीक है। मेरी ना ज़्यादा मेहनत होने वाली है, क्योंकि बेस के चारों तरफ भाई इतनी ज़्यादा स्टिक लगेंगी और इतने ज़्यादा पत्थर आएंगे, तो भाई तो मजदूरी भाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। चलो बढ़िया भाई, इधर से काम कंप्लीट, और एक बार देख लेता हूँ बाहर जाके। ओ भाई कितना तगड़ा लग रहा है ये, मतलब भाई अब कोई भी इधर से आगे टक्कर मारेगा ना भाई, उसकी लेनी देनी हो जाएगी, ठीक है। और मेरा केल्विन अभी भी काम करने लगा हुआ है ना, इसने ना भाई ठीक ठाक सी स्टिक यहाँ पे इकट्ठी कर दी है, तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है भाई। ये बढ़िया काम करता है कभी कभार, तो मेरे को अच्छा लगता है। और मेरा ना प्लेयर थोड़ा सा प्यासा है, एक सेकंड में ना ये वाला सूप इसको पिला देता हूँ। और रात भी बहुत जल्दी होने वाली है, तो भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे ऊपर ना आज हमला होने वाला है, क्योंकि
अभी जो जॉम्बीज आए थे ना भाई, वो कोई नॉर्मल वाले नहीं थे, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले थे। तो ठीक है, मैं ना भाई अपना बचा कुचा काम जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ। चारों तरफ भाई मैं डिफेंसिव वॉल टाइप ही लगाना शुरू कर देता हूँ। और इसने क्या ला कर रख दिया भाई? बेरीज, ठीक है खा लेता हूँ। एक सेकंड एक सेकंड भाई, मैंने ना सब कुछ बढ़िया कर दिया, लेकिन अभी भी ना भाई मेरे बेस में थोड़ा रोशनी के लिए मामला खराब है। तो एक सेकंड मैं ना देखता हूँ भाई, यहाँ पे ना टॉर्च लगाने का सिस्टम है, हम दीवारों के ऊपर टॉर्च लगा सकते हैं। और ये क्या चीज़ है भाई? मुझे लगता है भाई ये ना कोई रोशनी वाली चीज़ है और ये एक लैम्प जैसा काम करने वाला है। तो इसको ना मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एक सेकंड, इसके अंदर भाई 36 तो स्टिक लगने वाली हैं, 36 स्टिक है, तो कोई टेंशन नहीं है भाई, 36 के 36 मुझे यहीं से मिल जाएंगी। और ठीक है, और ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन भाई इसमें से रोशनी तो निकली नहीं रही। मैं तो सोच रहा था इसको सोलर पैनल से तो नहीं जोड़ना कहीं। इसको सोलर पैनल से भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और मुझे लग रहा भाई मेरे ऊपर हमला होने वाला है। तो एक सेकंड में ना भाई, पहले हमले से पहले ही ना इधर टॉर्चेस लगाना शुरू कर देता हूँ। टॉर्च का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। और भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। एक सेकंड, इसको ना मैं लगा देता हूँ, आई थिंक यहाँ पर ना ये ज़्यादा बढ़िया लगेगी। ठीक है भाई, ये ऑन हो चुकी है, बढ़िया। और एक लगा देता हूँ भाई मैं इसके बिल्कुल यहाँ पे। यहाँ पे तो भाई अच्छा खासा उजाला हो चुका है। ऐसे ही भाई मुझे ना गेट के चारों तरफ लगा देनी चाहिए। ठीक है भाई, इस वाले गेट पे भी मैंने लगा दिया है। एक दो ना भाई मैं अपने घर के भी अंदर लगा दूँ क्या, क्योंकि घर के अंदर भी भाई काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तो एक आ जाएगी यहाँ पे और एक आ जाएगी यहाँ पे। और भाई लकड़ी की कमी हो चुकी है, यहाँ से मेरे को लकड़ी मिल जाएगी। ठीक है, चलो बढ़िया भाई, बहुत ज़्यादा शानदार। एक सेकंड यार, ये वाला क्यों नहीं चल रहा? मैं सोलर पैनल से इसको अटैच करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास ना सोलर पैनल की कमी नहीं है, मेरे पास सोलर पैनल ये रहा, ठीक है। इसको लगा देता हूँ सोलर पैनल। भाई इधर ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा लगाने का? ये लग तो जाता है ऐसी जगहों पे। तो मैं ना भाई इसको, चलो इस वाली छत पर ही लगा देता हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। और अब ना इसके बाजू में मुझे भाई बैटरी अटैच करनी पड़ेगी, तभी भाई ये काम करेगा। फिलहाल तो भाई रात हो रही है तो शायद ये काम नहीं करे। और एक तार मुझे इससे जोड़ना है और एक तार शायद मुझे भाई इससे अटैच करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? तार लग गया क्या भाई? पता नहीं ये जल क्यों नहीं रहा, लेकिन लग तो रोशनी जैसे ही रहा। ओ जल तो रहा है वो भाई, जल तो रहा है ये, लेकिन ओ ऑन हो चुका है भाई, ऑन हो चुका है, ठीक है। और काफ़ी थोड़ी डरावनी सी रोशनी कर रहा है ये। मुझे ज़्यादा ऊँचाई पर लगाना है क्या ये? भाई क्या ही मस्त लग रहा है यार ये। मैंने ना भाई इसको घर के अंदर गलत लगाया है, मुझे ना ये बाहर लगाना चाहिए। एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं इसको बाहर लगा देता हूँ। बाहर मैं इसको कहाँ लगाऊँ? इसको ना मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है। और अब भाई ये बिना सोलर पैनल के रोशनी कर पाएगा क्या? एक सेकंड, नहीं यार, सोलर पैनल के बिना तो शायद ये रोशनी नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ना भाई पावर तो देनी पड़ेगी तभी ये चालू होगा। तो एक सेकंड, मैं ना सोलर पैनल को वहीं कहीं लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, सोलर पैनल तो ले लिया। और दिक्कत पता है क्या है भाई? सोलर पैनल को ज़मीन में ही लगाना पड़ता है, हम उसको हवा में नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर मैं उसको यहाँ पर रख दूँ थोड़े टाइम के लिए, ऐसा करता हूँ भाई, यही रख देते हैं टेम्परेरी, बाद में मैं थोड़ी सही जगह पर रख दूँगा। इसका मुँह मुझे रखना चाहिए इस साइड, ठीक है, लग चुका है। अब बैटरी लगानी होगी, बैटरी भी कनेक्ट कर दी, बढ़िया। अब भाई वायर को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, ठीक है, ये अब ऑन हो जाना चाहिए। और ये ऑन हो चुका है भाई, बढ़िया। इसकी रोशनी देखो भाई, इस लाइट में ना हम लड़ाई तो कर ही सकते, क्योंकि हमें ना एनिमीज दिख जाएंगे। और भाई क्या ही तगड़ा माहौल लग रहा है यार, क्या ही तगड़ा माहौल लग रहा है भाई। एक सेकंड, मुझे ना भाई चारों तरफ ऐसे लगा देने चाहिए, काफी ज्यादा भाई ये मस्त लग रहा है देखने में। लेकिन भाई ये ना थोड़ा दूर जाके रोशनी कर रहा है हमारे बेस के अंदर। ये देखो भाई वर्जीनिया क्या मस्त बैठी हुई इधर। बाकी काम ना सुबह करेंगे, गेम भी सेव कर देते हैं। और भाई प्लीज हमला ना हो, हमला ना हो, ठीक है भाई, सुबह हो चुकी है, बढ़िया भाई, हमला नहीं हुआ। ऑलराइट, एक बार देख लेते हैं यार, ये ना भाई देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जरूरी चीज है भाई, ये जरूरी चीज है, ठीक है। अब भाई मैं ऐसा करता हूँ, फिर से उसी काम में लग जाता हूँ। तो पहले तो भाई मुझे बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मुझे अब इन भालों के चारों तरफ भाई पत्थर भी लगाने पड़ेंगे। यार ये वाली जगह थोड़ी भाई अनसेफ है, क्योंकि इसके पीछे ना भाई वो लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें लगा रखी है। तो मुझे ना भाई आई थिंक ये सारी चीज़ें यहाँ से हटानी पड़ेंगी। तो मैं सबसे पहले तो भाई इस भाले के कहाँ रखूँ यार इनको? बीचों बीच भी रख नहीं सकता, मुझे ना दीवार से थोड़ा सा हट के रखना पड़ेगा। तो मैं ना भाई थोड़ी सी दूरी पर आर्मरी वाला इलाका भाई मुझे कोई और बना देना चाहिए क्या?
या फिर थोड़े बहुत टाइम के लिए ये वाली जगह ही ठीक है। थोड़े बहुत टाइम के लिए भाई मैं इनको इतनी दूरी पर रख देता हूँ, इसके अंदर भाई मेरे भाले आ जाएंगे, ठीक है। और हड्डियों वाला अगर मैं भाई यहाँ से हड्डी वाला हटाऊंगा ना तो हड्डियाँ भाई शायद हट जाएंगे, लेकिन ठीक है भाई जितनी जगह हुई है ना उतने में मैं इन स्टिक्स को गाड़ देता हूँ। तो पहली वाली आ जाएगी यहाँ पे और दूसरी वाली, अरे एक सेकंड यार ये और दिक्कत है, दूसरी वाली आ जाएगी यहाँ पे, बढ़िया। एक सेकंड भाई मेरे ऊपर हो चुका है हमला, मेरा भाला कहाँ है, ये रहा, ठीक है ठीक है। ये देखो भाई कितने ज्यादा खतरनाक है ये दीवार में टक्कर मारने की कोशिश कर रहा था और ये भाई इसका सर धड़ से अलग हो गया, लेकिन मेरी वर्जीनिया, ओ भाई एक सेकंड आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमला करो ना हमला करो ना, ओ बढ़िया भाई बढ़िया वर्जीनिया गुड शॉट, ओ तेरी भाई मिस हो गया मेरे से, लेकिन रुक तेरी ऐसी की तैसी, आ जा बेटा आ जा आ जा, मैं मेहनत करूंगा ही नहीं भाई, मेहनत करने का ही नहीं है, निकल जा, ठीक है उड़ गया भाई उड़ गया, और खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, निकल बे भाई, वो तो भाग गया, वो तो डर के भाग गया, इसको रीसेट कर देता हूँ फिर से। और ये देखो भाई उधर से वो हमला कर रहा है, लेकिन यार वहाँ पे भाई मैंने नहीं लगाए हुए ये, एक सेकंड अबे आना, भाग कर रहा है भाग कर रहा है बे, भाग गया भाई वो भाग गया, ठीक है भाई इनको तो मैं रीसेट कर देता हूँ। और मेरा कैल्विन, यार वर्जीनिया मर गई क्या, नहीं यार फिर से डैमेज हो चुकी है, इसको मैं रिवाइव कर देता हूँ और इसको तो रीसेट कर देते हैं फिर से। और इसके ना भाई कुछ मैं बॉडी पार्ट कलेक्ट कर लेता हूँ, इनसे ना भाई मैं सूप बनाऊंगा जिससे मुझे ज़्यादा पावर मिलती है। तो इसका सर तो मुझे कलेक्ट हो गया, अब ना भाई मुझे इसका हाथ भी कलेक्ट करने पड़ेंगे। और एक सेकेंड इसका हाथ है किधर, ऑलराइट तो इस वाले सूप को तो मैं अपनी बोतल में भर लेता हूँ और एक नया सूप बनाने के लिए रख देता हूँ। और यहाँ पे भाई पानी है फ्रेश, तो मैं इसी पानी को भर सकता हूँ क्या इसके अंदर, भर तो सकता हूँ, लेकिन यार ये मेरा साफ पानी था भाई, साफ पानी से चलो ठीक है साफ पानी से ही बना लेंगे, शायद हमें ज़्यादा कैलोरीज वगैरह मिल जाएं। और इसके अंदर ना भाई जितने भी हाथ और बॉडी पार्ट मैंने कलेक्ट किए ना सारे के सारे डाल के कुक होने के लिए रख देता हूँ, ठीक है भाई। जो भी सूप बनेगा ना भाई उससे मुझे ज़्यादा पावर मिलेगी। और यहाँ पे मेरी मशाल दिन में भी जल रही है, बढ़िया। और ये भी शायद चालू ही होगा, एक सेकंड ये भी चालू ही है, बढ़िया। तो ठीक है अब ना बच्चे कुछ काम में, ये देखो एक और सर यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको कलेक्ट नहीं करने वाला, अब ना भाई मैं फिर से काम में जुट जाता हूँ। भाई इतनी जल्दी मैंने कैसे, यार भाई मुझे ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब अपनी दीवार के चारों तरफ ये लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे भाई ये भाले नहीं है ना ये उधर आके तोड़फोड़ मचाने लग रहे हैं। तो ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, इनको ना थोड़ा सा दीवार से हटके लगाना शुरू कर देता हूँ, जिससे ना भाई मैं अपने भालों को ठीक से अरेंज कर पाऊंगा। तो इनको ना फिलहाल थोड़े बहुत टाइम के लिए भाई मैं ऐसे रख देता हूँ, या फिर भाई मैं इसको तोड़ ही दूं, क्योंकि मेरे पास स्टिक के लिए ना काफ़ी है पहले से ही, इनके अंदर मैं स्टिक जमा कर देता हूँ। तीन के अंदर ना भाई 90 स्टिक जमा हो जाती हैं, तो 90 स्टिक भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको ना भाई मैं तोड़ ही देता हूँ, एक और लगा देता हूँ, चार स्टैंड आई थिंक काफ़ी होंगे। तो इस वाले स्टैंड को भी यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसे, और बची कुछ स्टिक ना भाई इनके अंदर ही मैं जमा करना शुरू कर देता हूँ। ये वाला भी शायद फुल हो जाएगा, नहीं फुल तो नहीं हुआ, ठीक है भाई ये चार स्टैंड ही काफी हैं। केविन इनको ही भर देगा ना भाई तो मुझे काफी ज्यादा स्टिक्स मिल जाएंगी। और ये मेरे पास 21 स्टिक हो चुकी है, ठीक है अब मैं भाई फिर से काम पे लग जाता हूँ। इस साइड की सारी दीवारों पर भी स्टिक लगाना शुरू कर देता हूँ और आखिरी वाली स्टिक आ जाएगी यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है भाई बढ़िया। एक एक बीच में भी लगाऊंगे इनके, या फिर इतना गैप ठीक है भाई, वैसे भी वो टक्कर देते हैं ना तो भूल जाते हैं किधर से दे रहे हैं, इतने गैप में ठीक है फिलहाल के लिए। और देखो भाई एक और आ गया, रुक जा बेटा रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी करवाऊंगा अभी। ओह आजा 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 आजा, मेरे पीछे आना पीछे आजा 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 और आजा। अबे भाई आगे नहीं आ रहा, ओ तेरी, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया, ये भाई जाल से बच गया मेरे, लेकिन कोई नहीं भाई इसका भी नंबर लूंगा जल्दी। चलो भाई इस साइड की सारी दीवार मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो भाई भाले कितने खतरनाक हैं, कोई यहाँ पे भी आएगा ना तो इसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है। अब ना मैं पीछे की साइड से भी करना शुरू कर दूँ क्या, यार ये वाला गेट मैं कभी यूज़ तो करता नहीं। और ये देखो भाई एक्टिवेट हो गया हिरण की वजह से, और इसको घूमते हुए ना ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर गलती से मैं टकरा गया ना भाई तो मेरा खेल ख़त्म है, थोड़ा स्लो पड़ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा ना अब ये स्लो पड़ चुका है और रीसेट हो जा, ठीक है भाई हो गया। तो अब ना भाई मैं पीछे की साइड भी स्टिक लगाना शुरू कर ही देता हूँ,
वो भाई ये लाल दानव कब आ गया मेरे घर के अंदर, इसके ऊपर स्नाइपर टेस्ट करके देख लूँ क्या? लेकिन यार ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि मैं अपनी स्नाइपर इसके ऊपर टेस्ट करूँ। एक सेकेंड, इसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। ओ भाई, मैंने गलत टाइम पे बैक खोला था। लेकिन रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी करूँगा भाई, अभी करूँगा। और ओ भाई, एक भी एरो नहीं है मेरे पास, ऐसा कैसे हो सकता है? अब भाई मुझे राइफल निकालनी पड़ेगी। और निकल बे, एक ही में खेल खत्म भाई इसका, और यार एक सेकंड, मैं इसको भाले से मार सकता हूँ या फिर मेरे पास ये है। ठीक है, ठीक है भाई, दोनों के दोनों ढेर कर दिए। और पता नहीं भाई ये मेरे ऊपर क्यों हमला कर रहे इतना ज़्यादा, लेकिन ये म्यूटेंट्स, इनसे ज़्यादा मेरे को डर नहीं लगता। मुझे भाई जो क्रीपी से क्रीचर आते हैं ना भाई, उनसे डर लगता है। और मेरे ना भाई ये बेस पे हमला अगर बाहर से करते तो इनकी ऐसी की तैसी हो जाती। लेकिन अभी भाई मेरा बेस ना थोड़ा बन रहा है, तो मेरे को थोड़ा अभी टाइम देना पड़ेगा इनसे लड़ने में। लेकिन मैं भाई अपने काम को कंटिन्यू रखता हूँ, मुझे अभी इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना वरना दिक्कत हो सकती है। तो इसी के साथ भाई चारों तरफ से फेंसिंग बोले या फिर डिफेंस बोले भाई, ये एकदम बन चुके हैं। और ये कैसे भाई छोटे छोटे हो गए, टेढ़ा हो गया भाई ये वाला तो, लेकिन फिर भी काम करेगा मुझे पक्का यकीन है। और ये देखो भाई, इस साइड से तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। थोड़ा सा ना भाई ये वाला एरिया रह गया, क्योंकि इसके पीछे थोड़ा सा सामान रखा है तो मुझे वो रिमूव करना पड़ेगा भाई। और हड्डियों को मैं कैसे रिमूव करूँ यार, हड्डियों को मैं यहाँ से नहीं हटा सकता क्योंकि मुझे पहले ही सारी की सारी हड्डियाँ यहाँ से उठानी पड़ेंगी। तो और हड्डियाँ है भी भाई बहुत सारी, तो थोड़े बहुत टाइम के लिए ना भाई मैं बाहर से लगा दूँ क्या डिफेंस? मैं बाहर से भी तो लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं यार ये वाली जगह चलो छोड़ देते हैं। इस वाली जगह पे मैं, क्या हो गया, मुझे खुद डैमेज मिल रहा है भाई, मैं साइड से निकल रहा हूँ। तो यार ये वाले दरवाजे मुझे यूज़ करना बंद करना पड़ेगा क्या? एक सेकंड, इस वाले को ना मैं लॉक ही कर देता हूँ। मैं इस वाले गेट को, यार ये वाला गेट तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि पानी है, मैं फिलहाल के लिए इसको लॉक कर देता हूँ। मैं दो गेट ही यूज़ करने वाला हूँ और अभी ना भाई जितना हो गया उतना ही काफ़ी है। मैं ये देखो भाई, इस साइड से तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया, लेकिन अब ना भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया और आ चुका है। मैं भाई गेट को भी बहुत ज़्यादा अल्टीमेट बनाने वाला हूँ, उसके लिए ना भाई मुझे ढेर सारे लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो बस भाई अब देखते जाओ मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है इस टाइम। तो ठीक है, मुझे यार और ज़्यादा लॉक्स काटने पड़ जाएंगे, ये बड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इनसे काम चल जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक हाइट और बढ़ाऊँ क्या? चलो एक एक और बढ़ा देता हूँ एक यहाँ पे, और ये गाड़ी को ना धक्का देके थोड़ा सा आगे पहुंचा देता हूँ। ठीक है भाई, बढ़िया। और इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से एक ना बीच में भी लगा देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, कुछ ऐसे। ठीक है, अब भाई मुझे पहले तो सारे के सारे लॉक्स को ना इधर ही फेंक देता हूँ, बार बार यहाँ से उठाना ना भाई मज़ा नहीं आ रहा इसमें। और उस साइड ही फेंक देता हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया। एक लॉग ना एक्स्ट्रा ले चलता हूँ, इसके ना मुझे बहुत सारे टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 1, 2 और 3, 4, एक लॉग से 4 टुकड़े हो जाते हैं छोटे वाले, ये बढ़िया बात है। तो मुझे यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े भी लगाने पड़ेंगे, एक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, बढ़िया। अब इनके ऊपर भाई मैं लॉग्स को प्लेस करना शुरू कर देता हूँ। यार लॉग कम पड़ गए भाई, लॉग कम पड़ गए, मुझे और लाने पड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया ना, इसको रख देता हूँ यहाँ पे। और मुझे एक लॉग के और टुकड़े करने पड़ेंगे भाई, टुकड़े करने पड़ेंगे यार लॉक के बहुत ज़्यादा। तो इसके भी कर लेता हूँ, 1, 2, 3 एंड 4, चलो बढ़िया। और इसको लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब बारी है बड़े वाले लॉक्स की। एक लॉक आ जाएगा इधर और एक लॉक आ जाएगा इधर, भाई बहुत ज़्यादा शानदार। एक सेकंड, एक लॉक आ जाएगा इधर। ठीक है, बीच वाली लॉक को अब हटा लेता हूँ, इसका काम खत्म।
और ये छोटा वाला लॉग यहाँ से हटा के ना, अब भाई मुझे रखना होगा कुछ ऐसे यहाँ पे, इतनी दूरी पे आई थिंक ठीक रहेगा। यहाँ पे रख देते हैं कुछ ऐसे, बढ़िया छोटा वाला लॉग रख देते हैं यहाँ पे। एक छोटा वाला लॉग मुझे और चाहिए, एक सेकंड, मेरे पास अंदर नहीं है यार, मुझे ये ही खराब करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, कोई नहीं, इसका मुझे बस एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। चलो इसका भी काम ख़त्म, और इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसके ऊपर ना एक बड़ा वाला लॉग आ जाएगा कुछ ऐसे। अब ना भाई मुझे फिर से ऐसे लगाने हैं त्रिशूल टाइप, जो कि भाई मेरे ना इससे बाहर निकलेंगे, तो एक बार मैं कोशिश कर लेता हूँ, मुझे लगता नहीं भाई ये काम करेगा प्रॉपर। तो एक सेकंड, पहली वाली लकड़ी को मैं किधर गाड़ूँ, मुझे ना थोड़ा सा, एक सेकंड, मैं ना पहले यहाँ गाड़ लेता हूँ एक, और इसकी मदद से थोड़ा सा मैं इतनी दूर पे गाड़ सकता हूँ। ठीक है भाई, बढ़िया। तो इस वाली को तो रिमूव कर लेते हैं, और अब इसकी मदद से मैं और ज़्यादा गाड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इतनी इतनी दूरी पे आई थिंक ठीक रहेगा क्या। चलो एक एक तो मैं ऐसे ही लगा लेता हूँ, बाकी की बाद में देखेंगे। और कुछ ऐसे, और एक लास्ट वाली आ जाएगी यहाँ पे। चलो बढ़िया, अब इनको भी भाई मैं कट करके देख लेता हूँ ये काम करती है या फिर नहीं, और ये भाई हमारा कैसा बन के तैयार होगा। ये क्या लेके आइए मेरे लिए, ये पत्थर लेके आइए भाई। वर्जीन है ना भाई, कभी कभार केल्विन जैसा काम करने लग जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और तू निकल यहाँ से, ये वाला निकलेगा यहाँ से। ठीक है, अब मुझे भाई छोटे छोटे पत्थरों की ज़रूरत है, तो केल्विन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अबे वर्जीनिया हटना यहाँ से, क्या कर रही है। एक सेकंड, और भाई पत्थर लगाने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, पत्थर लगाने का। यार ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा घुस गए हैं क्या। ये देखो भाई, पत्थर लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है इनके ऊपर। यार आना तो चाहिए था भाई, मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से इनको लगाया था, लेकिन ये देखो बाहर भी निकल चुके हैं ये अच्छी तरीके से, लेकिन पत्थर लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा। एक सेकंड, यार ये टूट गए भाई ये। शेट यार, ये वर्जीनिया ना पिटेगी मेरे से। एक सेकंड, मैं ना फिर से लगाने की कोशिश करता हूँ। इस वाली को लगा देता हूँ मैं कुछ यहाँ पे, और इसको मैं काट देता हूँ, और अब देखता हूँ पत्थर लगाने का ऑप्शन। भाई पत्थर लगाने का ऑप्शन फिर से नहीं आ रहा, ये ज़मीन के अंदर घुस गए ना, तो इसलिए पत्थर लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर मैं पहले ही पत्थर लगा दूँ कुछ ऐसे, ठीक है, और अब अगर इसको मैं काटूँ, ओ ये तरीका सही है भाई। एक सेकंड, तो पहले ना सारे के सारे पत्थर मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, और ये सारी की सारी लकड़ियों को भी मैं हटा ही लेता हूँ यहाँ से। मैं ना भाई दोबारा से लगाऊंगा इनको। एक सेकंड, चलो बढ़िया भाई, ये निकल चुकी है। और केल्विन भाई, अरे मेरे रास्ते में मत आ यार, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। तो पहली वाली लकड़ी को ना मैं इधर गाड़ देता हूँ कुछ, इतनी दूरी पे गाड़ देता हूँ, और इसकी मदद से मैं यहाँ आ जाएगी मेरी। ठीक है, और अब भाई मुझे गैप देना प्रॉपर। ठीक है भाई, इनसे ही मैं एक्सपेरिमेंट एक बार करके देख लेता हूँ। मुझे भाई पत्थर लगाने होंगे पहले, तो इस वाली को तो उठा ही लेता हूँ यहाँ से। अबे भाई क्या उठा लिया इसने। तो इनसे ही भाई एक्सपेरिमेंट एक बार करके देख लेते हैं, इनके ऊपर पत्थर लगाने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा आ रहा भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ओ भाई ये इनविजिबल क्यों हो रहे हैं पत्थर यहाँ पे। भाई ये ना जमीन के अंदर घुस रहे हैं पत्थर, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी मिट्टी ज्यादा है, इसलिए पत्थर तो लग रहे हैं, लेकिन ये देखो हमें दिखाई नहीं दे रहे, ये लग चुके हैं। ठीक है, और मेरे ना बहुत सारे पत्थर भी वेस्ट हो रहे हैं ऐसे। ठीक है भाई, मैंने अंदाजे से सबके लगा दिया पत्थर, अब भाई मुझे फिर से इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। और ऐसे भाई, ठीक है, इस साइड से तो ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब कोई भी मेरे ऊपर हमला करने आएगा ना। यहाँ पे नहीं है क्या लकड़ी, अरे यार मुझे यहाँ पे भी लगानी। ओ देखो भाई डैमेज हो गया, यहाँ पे भी एक लकड़ी लगाई देता हूँ। एक तो भाई रात के टाइम काम करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है रात के टाइम काम करने में, तो मैं सो जाता हूँ भाई, लेकिन मेरे ऊपर हमला ना हो जाए। और केल्विन ने पत्थर देखो भाई कितने ज़्यादा इकट्ठे करके रखे हुए हैं। पहले ना मैं गेम सेव कर लेता हूँ, ऑलराइट, और अब भाई हम सो जाते हैं। और ये देखो भाई, जिसका डर था, हमला हो चुका है, लेकिन किस साइड से हुआ ये नहीं पता मुझे। तो यहाँ पर तो रोशनी काफ़ी है, और भाई म्यूटेंट्स ने किया या फिर ज़ॉम्बीज ने किया ये भी नहीं पता मुझे। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है, अगर मैं अपना स्कूटर उठा के यहाँ से भाग जाऊँ और दूर जाके टेंट लगा के सो के वापस आ जाऊँ, तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है। कौन है भाई, आवाज़ तो आ रही है। अबे म्यूटेंट के बच्चे निकल बे। ये देखो भाई, ये अपने आप ढेर हो गया है डिफेंस की वजह से।
ऑल राइट, ये वाले भी नीचे हो गए। ओह भाई मेरे खुद के लग गई। कहाँ पे भाई कहाँ पे, इनके रोने की आवाज आ रही है ये देखो, ये कट। ओ ओ ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी, आजा 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 आजा। अरे यार एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वर्जी ने मार, रोशनी में आ जाओ भाई। कौन आ रहा है? ओ भाला मार रहा भाई ये तो। एक सेकंड ये मेरा ऊपर ही है ना, ठीक है। आजा 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 यहाँ आजा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ बच गया। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गया। अबे भाई भाला मार रहा है दूर से ही। निकल वे। ठीक है भाई सारे मर गए शायद ऑलमोस्ट, ये अभी भी तड़प रहा है। मेरी हेल्थ तो फुल है, मैंने इसको एनर्जी ड्रिंक पिला देता हूँ एक। चलो बढ़िया। और मरा नहीं, मरा अभी तक मरा नहीं, मरा अभी तक, मर जा साले। ठीक है सारे मर चुके हैं, अब मैं सो जाता हूँ, आराम से सो जाऊंगा भाई। इसकी तो भाई इस वाली रेड की तो मैंने ऐसी की तैसी कर दी थोड़ी सी देर में। जब से भाई मैंने बेस मजबूत बनाया ना भाई, तब से इनको हराना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। यार अभी भी कोई जिंदा है, अभी भी कोई जिंदा है, कौन जिंदा है? ओ गलती से भाई मैंने कैल्विन को मार दिया। कहाँ पे है कहाँ पे है? ओ आजा 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 आजा। ये वाला मेरा ऊपर है नीचे है? एक सेकेंड ऊपर आजा। ठीक है आजा भाई आजा आजा, तू ज्यादा तकड़ा है ना, आजा आजा यहाँ आजा। देखो भाई धीरे धीरे चल के आ रहा है, इसकी ऐसी की तैसी होगी। आजा आजा आजा। वो भाई ये झांसे में नहीं फंस रहा? और गया, बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। अबा 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 आजा आजा आजा। वो भाई बच कैसे रहा है, बच कैसे रहा है ये? इस बार पड़ गया, इस बार पड़ गई इसमें। ठीक है और गया। आजा भाई आजा, कौन सा आ रहा है? आजा 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 आजा। भाई एमओ वगैरह वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हाथ गया इसका, हाथ गया ये देखो। और निकल निकल। ठीक है भाई पाउच देते अपनी, इस वाले को तो फिर से मैं ऑन कर देता हूँ। चलो बढ़िया, अब सो जाऊंगा, अब सारे के सारे मर चुके हैं, अब सो सकता हूँ भाई मैं आराम से। बढ़िया भाई बढ़िया, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। एक बार और गेम सेव कर लेते हैं। और रात के टाइम तो भाई मैंने कितना ज़्यादा, ओ भाई यहाँ से ये कैसे उखड़ गई? एक सेकेंड यार इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, ये कैसे उखड़ गई यहाँ से? ये रही। चलो बढ़िया। और ये पत्थर इतने ज़्यादा कलेक्ट हो चुके हैं, कैल्विन को मना कर दूँ भाई अब पत्थर मत इकट्ठे कर। और ये देखो भाई ये भी इन्होंने तोड़ दिया था। और ये तो नहीं तोड़े मेरे डिफेंसिव वॉल्स तो नहीं तोड़े। ये देखो भाई इनके हाथ पैर कटे पड़े ना, ये इनकी वजह से कटे हैं। एक एक ना भाई मुझे ऊपर भी लगाने पड़ेंगे शायद, तब शायद ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। फिलहाल तो भाई मैं इस साइड भी लगाना शुरू कर देता हूँ। एक लकड़ी ना मैं इधर गाड़ देता हूँ पहले। और इसी के साथ भाई इस साइड का भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। मतलब ये देखो भाई कोई भी आएगा ना टकराएगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन बीच बीच में ना थोड़ा सा गैप है भाई, ये देखो यहाँ पे एक भी लकड़ी नहीं है, तो मुझे इधर भी लगा देनी चाहिए एक लकड़ी। ठीक है भाई बढ़िया। और इसको भी भाई मैं शार्प कर देता हूँ। ठीक है ये देखो भाई ये बिल्कुल मैंने परफेक्ट लगाई है यार। इससे पहली थोड़ी ज़्यादा नीचे हो गई लेकिन ये ऊपर आ चुकी है। ठीक है मैं ऐसे भाई और लकड़ी लगाने वाला हूँ ऊपर की साइड। ठीक है उसके लिए ना भाई मुझे पहले ना एक लकड़ी लगानी पड़ेगी कुछ यहाँ पे। और इसका भाई अरे यार एक लकड़ी लगानी होगी यहाँ पे। और इसका ना यार ये तो ना थोड़ा मैंने पास लगा दी, यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसका निशाना लेके इस वाली को हटा देता हूँ। इसका निशाना लेके, इसका निशाना क्यों नहीं आ रहा? एक सेकेंड, एक लकड़ी ना मैं किधर लगाऊँ? एक लकड़ी इधर लगा देता हूँ। और इसका निशाना मुझे लेना है यार, इसका निशाना क्यों नहीं ले पा रहा मैं?
मेरा भाई एक हाथ टूट गया क्या ये? नहीं टूटा तो एक भी नहीं है, सारे के सारे लगे हुए हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ और भी ज्यादा भाई, एक सेकंड एक सेकंड, अब पत्थर लगाने की कोशिश करता हूँ। वन पत्थर ही खत्म भाई, लेकिन कैल्विन ने काफी इकट्ठे करके रखे हुए यहाँ पे, तो ले लेता हूँ इससे। और अब भाई इसको मोड़ देता हूँ तो ये यहाँ पे आ चुका है दो की जगह पे। नहीं यार ये वाला एकदम परफेक्ट लगा है, काश भाई मैं ऐसे और लगा पाता, लेकिन लगा नहीं पा रहा भाई। मैं इसके ऊपर आके अगर मैं कोशिश करूँ लगाने की, नहीं यार नहीं लगा पा रहा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, दिमाग में भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक आइडिया आ चुका है। अगर मैं ऐसे लगाने की कोशिश करूँ, नहीं यार ऑप्शन नहीं आ रहा भाई। ये देखो यहाँ तक आता है लेकिन फिर वापस चला जाता है। एक सेकंड, मैं ना फिर भी भाई हार नहीं मानने वाला, मैं कोशिश करता रहूँगा। इस साइड कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं गाड़ दूँ इसको, ठीक है, और इसका निशाना लेके, नहीं लग पा रही भाई, हटा देता हूँ भाई। फिलहाल तो ये थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं ना भाई ऐसा सेम टू सेम इधर भी लगाने वाला हूँ, तो एक लकड़ी ना भाई मुझे इधर गाड़नी पड़ेगी पहले। कौन आ रहा भाई? वर्जीनिया है। इसके सारे सारे मैं दो तीन लकड़ियाँ और गाड़ देता हूँ, ठीक है भाई। थोड़ा सा ना मैंने इसको भी डिफेंसिव कर दिया, और भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है ये। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको और तगड़ा बनाऊँ, एक मैं इसके बीच में लगा देता हूँ, ठीक है। और इसको भी भाई मैं शार्प कर देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। ये वाली लकड़ी को भी शार्प कर ही देता हूँ भाई, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन भाई मुझे जब भी इस बेस में आना होगा ना, थोड़ा संभल के आना पड़ेगा घूम के, या फिर डायरेक्ट जंप लगा के भी आ सकता हूँ। लेकिन भाई जॉम्बीज इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, म्यूटेंट इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, वो डायरेक्टली मेरे ऊपर हमला करने आएंगे और बिछ जाएंगे भाई, वो बिछ जाएंगे फिर। एक सेकेंड, मैं ना भाई इधर भी लगा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो ऐसे, और एक लकड़ी में लगा देता हूँ। ओ देखो भाई मुझे भी डैमेज मिल गया, और तगड़ा और गंदा डैमेज मिल रहा है भाई। तो मुझे ना थोड़ा, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो मुझे ना भाई थोड़ा ज़्यादा संभल के रहने की अब ज़रूरत है। यहाँ पे लगा देते हैं और ये हो जाएगी ऐसे टेढ़ी, इसको भी टेढ़ी कर देते हैं, बढ़िया। तो लेट गाइज, मैंने ना भाई काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ यहाँ पे इकट्ठी कर ली, आप देख सकते हो। तो तीन तीन भाई मैंने होल्डर बना दिए थे लॉक्स के, और तीनों के तीनों फुल भरे, मतलब एक लॉक के अंदर 24 24 और 24, यानी कि भाई 72 टोटल लॉक्स हो चुके हैं मेरे पास। और मैं सोच रहा हूँ अभी तो ये कम पड़ेंगे, और भी ज़्यादा मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है। और फिलहाल तो भाई रात का टाइम देख लो आप, और सामने भाई रोशनी काफ़ी ज़्यादा मस्त हो रखी है। एक सेकंड मैं मशाल को छोड़ देता हूँ। अब देखो भाई रोशनी काफ़ी ज़्यादा मस्त हो रही है, मतलब सिर्फ एक ही भाई मैंने प्रोजेक्टर लगा रखा है उससे इतनी ज़्यादा रोशनी हो रही है। अगर मैं ऐसे दो और लगा दूँ, एक यहाँ पे और एक उस वाले कॉर्नर पर, तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिलहाल तो यहाँ पर मैंने टॉर्चेस लगाई थी, उनसे भी ज़्यादा बढ़िया रोशनी हो रखी है। और अभी तक तो किसी म्यूटेंट ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है भाई बहुत जल्दी हमला करेगा कोई बहुत तगड़ा म्यूटेंट। और यहाँ पे देखो भाई इस साइड भी मैंने टॉर्चेस लगाई थी, और ये वाला एरिया भी भाई मैंने बहुत मस्त कर दिया है। मतलब भाई अब लग रहा है कि हाँ प्रॉपर कोई सर्वाइवल हम गेम खेल रहे हैं। तो ठीक है, फिलहाल तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी सो जाता हूँ, बाकी काम ना भाई मैं दिन की रोशनी में करने वाला हूँ। और अंदर भी भाई ये प्रोजेक्टर मैंने लगाया हुआ है ना, इससे भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में। तो ठीक है भाई, अपने लग्जरी से बेड पर हम सो जाते हैं। और भाई म्यूटेंट का हमला हो चुका है, मतलब ये देखो यार रात के टाइम हमला करते ना दिक्कत होती है। और ओ भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, उतरी ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है। लेकिन वर्जीरे ने इसको ठोक दिया है, ठीक है। मैं अपनी राइफल निकालूँ क्या? राइफल राइफल, यार राइफल के अंदर कितनी एमओ है? 7 गोली? फिर से राइफल के अंदर 7 गोली भाई कैसे आ गई? मैंने तो यूज़ करी थी बीच में। और एक सेकेंड एक सेकेंड, निकल बे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काफ़ी डैमेज मिला इसको। और निकल बे, ठीक है। और लुढ़क गया क्या? नहीं यार अभी नहीं मरा भाई। वर्जीनिया मार इसको। ओह और भी आदिवासी आ गए भाई, लेकिन इसको डैमेज भाई काफ़ी मिल रहा होगा मेरे बेस की वजह से, मानना पड़ेगा। बाकी का ये आदिवासी भी मुझे लगता है ये आपस में शायद भिड़ने वाले हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड, ओ भाई अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, ये मेरे बेस के ऊपर नहीं आ सकता शायद। मैं ऊपर जाके देखता हूँ क्या माहौल चल रहा है बाहर का। और वो है किधर भाई? अजीब सा प्राणी मर गया। ओ मर गया ये तो भाई, ये कैसे मार दिया? किसने मार दिया? वर्जीनिया ने लास्ट गोली मार दी थी ना, इसलिए शायद ये मर गया है। फिलहाल तो अपनी राइफल को मैं रिलोड कर लेता हूँ। और ये गंदे से आदिवासी आ गए ना भाई, ये देखो ये मेरे बेस के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे। और अपना बेस कितना मजबूत है देखने के लिए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो ठीक है, पहले ना मैं ऐसा करता हूँ यार, इस म्यूटेंट से ना मेरे को आर्मर मिल जाएगा। और भाई ये आगे आ क्यों नहीं रहे? आगे आओ ना भाई, डर गए क्या? मेरा बेस देख के भाई ये डर चुके हैं। एक सेकंड, ये क्या तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने? ओ मेरे होल्डर को क्यों तोड़ रहा भाई? मेरे बेस पे हमला करना भाई, दम है तो तेरे में। निकल साले, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया, होल्डर को तोड़ने लग रहा था। एक सेकंड, होल्डर थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है शायद, मैंने इसको रिपेयर कर देता हूँ।
ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है, बड़ी वाली कुराड़ी लेके रखता हूँ। ठीक है, शायद अब ये हमला नहीं करेंगे, अब मैं सो जाऊँ फिर से एक बार कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता भाई फिर से कहीं हमला ना हो जाए। यार नहीं, ओ ये बेस के अंदर कैसे आया, ये बेस के अंदर कैसे आया भाई, ये ग्लिच से आया जरूर, वैसे तो ये आ नहीं पाएगा। और निकल, अरे यार ये तो नहीं टूट जाएगा मेरा। हाँ निकल 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 निकल, निकलेगा कैसे, ठीक है निकल। अबे यार मैंने इसको ही तोड़ दिया, ये कहाँ पे लगा हुआ था भाई, एक सेकेंड, ये भाई पिलर निकल गया मेरा, लेकिन ठीक है बिना पिलर के भी काम चल जाएगा। इस वाले पिलर को यहाँ लगा देता हूँ मैं, और कहाँ पे ये रहा वो, मैं इसको मारूंगा ना तो भाई मेरा घर टूटेगा, तो मैं भाला ले सकता हूँ और भाला कर देता हूँ इसके अंदर। और निकल निकल निकल, मर गया भाई मर गया। ठीक है, अपने ना कैंप फायर को जला दूंगा मैं, यार इसकी डेड बॉडी से मैं सूप बनाऊंगा, तो इसको ना भारी ले चलता हूँ। फिलहाल तो मैं सो जाता हूँ क्योंकि सारे आदिवासी अब शायद जा चुके हैं, आखिरी था। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और ये आदिवासी की लाश भी यहाँ पड़ी हुई है। और भाई सही बताऊँ ना, बेस जब से मैंने इतना मजबूत और ये डिफेंसिव बनाया ना, तब से भाई मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता, चाहे कोई भी आ जाए। और एक सेकंड उस वाले क्रीपर को भी देख लेता हूँ, यार उसकी डेड बॉडी गायब हो गई भाई, मुझे रात में उससे आर्मर ले लेने चाहिए थे, पता नहीं भाई उससे कितने आर्मर मिलते, क्योंकि वो बॉस लेवल का था भाई। एक सेकंड, ये उस साइड सेट होगा ना, तो मुझे यहाँ से सेट करना चाहिए। ठीक है, और बाकी के तो शायद ठीक है अपनी जगह पे। और भाई बच गया, अभी मेरे को तगड़ा डैमेज मिलता वरना। और भाई मेरा फूड और वाटर साइकिल बिगड़ा हुआ है, वाटर तो यार ये सूखे पड़े हैं क्योंकि बारिश हुई बहुत टाइम से इसके अंदर। ये भी एम्प्टी है भाई, क्या खाऊं मैं, पानी नहीं है भाई पीने के लिए। ठीक है भाई, ऐसा करते अपने लिए ना मीट सूप बना ही लेते हैं, तब तक भाई एलोवेरा खा लेता हूँ, एलोवेरा से थोड़ा सा पानी मिल जाएगा मुझे। ठीक है, और मेरा पॉट कहाँ है भाई, कुकिंग पॉट, भाई कुकिंग पॉट इधर भी नहीं है, कोई ले गया क्या उठा के भाई, कई और मैं तो फेंक नहीं सकता। और भाई गड़बड़ हो गई, मेरे पास कुकिंग पॉट पता नहीं मेरा कहाँ चला गया, जबकि मुझे याद है भाई मैंने वही रखा था, क्योंकि मैं भाई ड्रॉप नहीं कर सकता, इसमें ड्रॉप करने का ऑप्शन नहीं है गेम में। वो भाई इधर ही था, वो डिस्पॉन हो गया क्या अपने आप ही भाई। एलोवेरा खा के मैं क्या करूँगा, मुझे कुकिंग पॉट चाहिए यार, अब मुझे ना कोई ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मेरे को कुकिंग पॉट मिल जाए, वैसे तो कुकिंग पॉट मिलता रहता है इधर उधर। अब पानी का जुगाड़ भाई कैसे करूँ, मुझे गंदा पानी पीना पड़ेगा, तो ठीक है भाई मैं गंदा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा बीमार हो जाऊँगा लेकिन मैं हील कर लूँगा उसको बाद में। और ये देखो भाई बीमार हो गया मेरा इंसान, थोड़ा सा और पी लेता हूँ। ओ भाई लेकिन ठीक है, अब थोड़ी सी भूख लग रही है ना, ये भी खा लेता हूँ। चलो बढ़िया भाई, कुकिंग पॉट का बड़ा सदमा लग गया, कहाँ चला गया पता नहीं। फिलहाल तो ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ मैंने ले ली हैं। एक सेकंड, इसके अंदर अभी भी 24 हैं, ठीक है इसके अंदर भी 24 है, इसके अंदर भी 24 है, तो ठीक है भाई कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, सारी की सारी लकड़ियाँ हम लगाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे एक यहाँ लगानी है, ऑलराइट। तो ऐसे कर करके भाई पहले तो मुझे पिलर्स बनाने होंगे वहाँ तक, मतलब भाई बहुत ज़्यादा काम है, हद से ज़्यादा काम है। तो ठीक है भाई, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, काम में लग जाते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ भाई हमारा बेस बनाने का काम खत्म हो चुका है, मतलब अब भाई मैं काफी टाइम तक अपने बेस पे इतना ज्यादा काम नहीं करने वाला। मतलब ये देखो भाई, हमने एक तरह से यहाँ पे बालकनी टाइप बना दिया है, मैं सोच रहा हूँ भाई अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे एक बालकनी, नहीं छोड़ो छोड़ो भाई, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हमें भाई मिशन भी कम्प्लीट करना है इस गेम के, हमें पता भी करना है भाई इस आइलैंड पे आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल तो भाई इतना ज्यादा मजबूत हो गया कि मतलब हमारे ऊपर कोई भी अटैक कर नहीं सकता, हमारे बेस को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं कर सकता, और कोई करेगा भी तो भाई मैं ऊपर आके यहाँ से इसके ऊपर फायरिंग कर सकता हूँ, बच बचा के डॉज
कर करके, जो कि भाई काफी ज्यादा बढ़िया बात है। फिलहाल भाई बेस का काम हो गया, डिफेंस का काम हो गया, अब ना भाई मुझे कुछ फूड के सोर्सेस बढ़ाने पड़ेंगे इस गेम में। तो हम ना भाई खेती कर सकते हैं इस गेम में, खेती नहीं कर सकते एक तरह से, हम ना कुछ प्लांट वगैरह उगा सकते हैं। तो यहाँ पे ना भाई मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो है स्टैंडिंग प्लांटर, दूसरा वॉल प्लांटर। स्टैंडिंग भाई जगह घेरेगा ज्यादा, तो मैं सोच रहा हूँ वॉल प्लांटर लगा दूं। और यहाँ पे भाई मेरा पानी का सिस्टम है ना, तो इधर ही भाई मैं वॉल प्लांटर लगाने वाला हूँ वन। और मैं ऐसे ना भाई लगभग चार लगा देता हूँ, आई थिंक चार काफी होंगे। तो पहला लग चुका है, दूसरा यहाँ लग जाएगा, तीसरा और ये रहा भाई चौथा। ठीक है, चार वॉल प्लांटर मैंने लगा दिए। अब इनके अंदर भाई मुझे 16 16 स्टिक लाके लगानी है, लेकिन स्टिक की कोई टेंशन नहीं है, मैंने केविन को बहुत ज्यादा देर से काम दिया हुआ है, ये स्टिक कलेक्ट करने लग रहा है। और ये कहाँ फंस गया भाई, अबे निकल जाएगा अपने आप। ठीक है, तो मैं सारी की सारी स्टिक भाई यहाँ से कलेक्ट करके इसके अंदर लगा देता हूँ। ये कंप्लीट हो चुका है, बढ़िया, तीन कंप्लीट हो चुके हैं, ये भाई चौथा, और चौथा भी कंप्लीट हमारा हो चुका है। ठीक है, अब भाई मुझे खेती करना शुरू करना है, तो देखना है भाई उगा मैं क्या सकता हूँ। मेरे पास ना काफी ज्यादा सीड है भाई, यार एक तो पता नहीं भाई मैं क्या क्या उगा सकता हूँ। मैं मशरूम मुझे शायद उगाने चाहिए। ठीक है, इसमें तो मैंने मशरूम उगा दिए, वैसे मशरूम हम खा सकते हैं क्या? चलो दो में भाई मशरूम उगा देते हैं। ठीक है, तीसरे में मैं उगाता हूँ भाई, एक सेकंड, खाने वाली चीज कौन सी है मेरे पास, मैं देख लेता हूँ खाने वाली चीज। ब्लैकबेरी सीड, ब्लूबेरी सीड, खाने वाली चीज मुझे उगानी है भाई मेनली, तो एक सेकंड, ब्लूबेरी सीड मुझे ढूंढना चाहिए। ब्लूबेरी किधर है भाई, ब्लूबेरी है भी या फिर नहीं, ब्लूबेरी सीड, ठीक है इसमें ब्लूबेरी उग जाएगी। और इसमें भाई मैं ब्लैकबेरी उगा लेता हूँ, ब्लैकबेरी भी हम खा सकते हैं ना। ठीक है, चार प्लांटर मेरे रेडी हो चुके हैं। और पता नहीं भाई इसके अंदर मुझे पानी भी डालना है या फिर नहीं, पानी डालने का भाई इस गेम में कोई सिस्टम नहीं है, तो शायद भाई मुझे पानी नहीं डालना। ठीक है, लकड़ियों का काम खत्म हो चुका है ना, तो ठीक है लकड़ियों को तो मैं वापस से यहाँ पे होल्डर में जमा देता हूँ। ठीक है, अब ना भाई मैं सोच रहा हूँ अपने लिए कुछ और चीजें भी बना लूँ। यार एक तो केविन को ना भाई यहाँ पे स्टिक जमा करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं ना इनको यहाँ से हटा के वापस भाई यहाँ रख देता हूँ, ये यहाँ पे ज्यादा सही लगेगी, यहाँ से भाई स्टिक लेने में और निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तीसरी यहाँ आ गई, और ये लास्ट वाली भी मैं इसके बाजू में रख देता हूँ कुछ ऐसे करके। ये भाई बहुत जरूरी चीज़ है, मतलब स्टिक का होल्डर होना ही चाहिए भाई, स्टिक से ही हमारी ज्यादातर चीजें बनती है। और भी ज्यादा स्टिक ये लेके आ चुका है, बढ़िया। तो ये भाई जब तक स्टिक जमा कर रहा है ना, मैं थोड़ी सी रस्सी कलेक्ट करके आ जाता हूँ। मेरा स्कूटर कहाँ है भाई, एक सेकंड, स्कूटर मैंने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं जंगल के अंदर। और यहाँ पे भाई मुझे रस्सी मिल तो जानी चाहिए, हाँ ठीक है यहाँ पे भाई काफ़ी रस्सी है। तो एक सेकंड भाई, आवाज़ कैसी आ रही है, मुझे लग रहा कोई है इधर। एनर्जी ड्रिंक है, खोपड़ी पड़ी हुई है काफ़ी, लेकिन खोपड़ी ऑलरेडी है मेरे पास। स्कूटर का भाई मैनुअल है शायद, वो तो हमें पहले से ही चलाना आता है। बाकी यहाँ पे ये रही रस्सी, मुझे लगभग 6 रस्सियाँ कलेक्ट करनी है, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा वॉल टॉर्च बनाने वाला हूँ। ये सीरियल का डब्बा है, ओ भाई इसको मैं खाता क्यों नहीं हूँ, इसको ही खा लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरे पास काफ़ी है, एक रस्सी ये रही, ऑल राइट। और भी रस्सी चाहिए थी, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 रस्सी मिली है, तो मुझे ना जंगल के अंदर और जाना पड़ेगा। इधर कहीं छुपी, ये रही भाई एक और रस्सी, अभी दिखती नहीं, एक सेकंड देख लेता हूँ। मेरे पास 4 रस्सी हो गई होगी शायद, 5 हो चुकी है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे भाई 6 रस्सी चाहिए। और ये देखो भाई, हमला हो गया। ओ भाई, बेस की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनको वैसे नहीं हरा सकता भाई, मेरा बेस ही इनको हराने में मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैप्स हैं। और एक सेकंड उतर जाए तर, सबसे पहले तो इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है भाई, वो आ ही रहे होंगे, और आजा बेटा, आजा। ओ एक सेकंड, इनके ऊपर शायद क्रॉस काम करता है, मैं इसको क्रॉस दिखाऊं क्या? और ओ आग लग गई भाई इसके अंदर, ठीक है। और भी है क्या इधर? ओ भाई क्रॉस की शक्ति देखो, और जावे जल जा। ठीक है, ये जल रहा है, ठीक है, और ये शायद मरने ही वाला है। ओ रुक जाओ, मर गया भाई, नहीं मरा क्या अभी? दो नहीं भाई, ज़्यादा से 2 से तो इनको मारना तो भाई बहुत इजी है, क्रॉस है ना हमारे पास, इसलिए बहुत ज़्यादा इजी है इनको मारना। और मुझे भाई फ्री में देखो भाई 2 2 आर्मर मिल रहे हैं, इससे मेरे को क्रीप आर्मर मिल चुका है, 1 मिला या फिर 2 मिला पता नहीं। चलो बढ़िया भाई, 1 रस्सी और चाहिए थी, लेकिन मेरे पास कितनी है, 5 ही है यार। चलो ठीक है भाई, अभी एक ये क्यों चालू हो गया है, तो ठीक है मैं ना पहले भाई बनाना शुरू कर देता हूँ, मुझे ब्लूप्रिंट में जाना है।
और ये चीज बनानी थी मुझे, तो ठीक है इसको मैं लगा देता हूँ। इसके ऊपर तो मैं नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ ऐसे जिससे ना मुझे प्रॉपर रोशनी मिलेगी। ऐसा ना मुझे एक और लगाना है और वो लगाऊंगा भाई मैं इस साइड, मतलब भाई इस साइड की जगह पे ना सबसे ज्यादा हमला होता है, तो यहाँ पे प्रॉपर रोशनी मुझे मिलनी चाहिए। तो ये वाला लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर भाई क्या क्या लगेगा एक बार देख लेता हूँ। इसके अंदर भाई ओ तेरी भाई बहुत ज्यादा तो स्टिक्स लगने वाली है, 35-36 तो स्टिक्स ही लगेंगी, तो मुझे स्टिक कलेक्ट करनी पड़ेगी बहुत सारी। लेकिन स्टिक का काम मैंने ऑलरेडी केविन को दिया हुआ है ना, तो टेंशन नहीं है। ओ भाई मैं जंगल में स्टिक लेने आया था और इन्होंने फिर से हमला कर दिया मेरे ऊपर। लेकिन ओ क्रॉस है मेरे पास, क्रॉस की शक्ति है भाई, वही तो बोलू भाई ये तीन चार थे। लेकिन ओ मेरे ऊपर हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया। एक सेकंड किधर है, आजा 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 आजा। और गया ये भी, मर गया भाई मर गया भाई। क्रॉस ने बचा लिया और क्रॉस बहुत काम की चीज है, मानना पड़ेगा। ठीक है अच्छी खासी रस्सी कलेक्ट हो चुकी है, वापस चलते हैं बेस में। और रात भी बहुत जल्दी होने वाली है, तो भाई मुझे लाइट का इंतजाम ना जल्दी करना पड़ेगा। और मेरा पॉट भी भाई खो गया है, मुझे पानी की दिक्कत आ रही, वरना मैं पानी बॉईल करके आराम से पी जाता। लेकिन एक सेकंड मैं ना ऊपर ही चला जाता हूँ, यहाँ से बनाना थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा। इससे वो भी कनेक्ट करना होगा, क्या बोलते हैं उसको, सोलर पैनल। तो सोलर पैनल का जुगाड़ भी मैं कर दूंगा, ठीक है। इसके अंदर बल्ब तार, ठीक है ये तो कम्प्लीट हो चुका है। अब उसके अंदर भाई स्टिक वगैरह लगानी है। केल्विन भाई जब तक स्टिक लेके आ रहा है ना, मैं सोलर पैनल का जुगाड़ करने वाला हूँ। तो पहले तो भाई इस वाले तार को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इस वाले सोलर पैनल को ना मैं ऊपर लगाने वाला हूँ। और ठीक है सारा का सारा सामान कलेक्ट कर लिया। और सोलर पैनल भाई आई थिंक यही अच्छा लगेगा, नीचे भाई अच्छा नहीं लग रहा था रखा हुआ। और दोनों को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ, तो मैं बिल्कुल मिड में सोलर पैनल लगाने वाला हूँ, ठीक है। और मेरा सोलर पैनल आ जाएगा कुछ इस साइड ही, मुंह रखना चाहिए मुझे, मैं ना यहाँ रख देता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पे ये अच्छा लग रहा, बुरा नहीं लग रहा। अब बारी है बैटरी ही। अब भाई मुझे ना वायर अटैच करना होगा, सबसे पहले भाई वायर मुझे करना होगा अपनी लाइट से अटैच। एक सेकेंड ये कनेक्ट करूँगा इससे, और इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ इससे, ठीक है भाई। दोनों की दोनों लाइटें ऑन हो चुकी है एक ही सोलर पैनल की मदद से, क्योंकि भाई सोलर पैनल में ज्यादा यूज नहीं करना चाहता। और ये तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है भाई। केल्विन ने भी लकड़ियां यहाँ पर रख दी हैं, पहले उसको कंप्लीट कर लेता हूँ मैं अच्छी तरह से। ये वाला भी कंप्लीट हो जाना चाहिए अब तो, और हो चुका है, और हो चुका है, ठीक है भाई। अब मुझे सिर्फ वायर कनेक्ट करना है, इससे वायर भी हो जाएगा ईजिली, ठीक है। ये वाला भी ऑन हो चुका है, बढ़िया। और नीचे पंछी है क्या ये, वो भाई इतना बड़ा। एक सेकंड आजा आजा आजा, गया। एक बार मैं देख लेता हूँ मेरी फसल थोड़ी बहुत उगी है क्या, कुछ भी नहीं उगी ये। इसके अंदर पानी की कहीं जरूरत तो नहीं है, मेरे पास पॉट तो नहीं है, लेकिन बोतल है। बोतल में एक बार भर के इसमें फैलाने की कोशिश करता हूँ, और बोतल को अगर मैं इसमें डंप करूँ। एक सेकेंड, नहीं यार ये नीचे ही फैला रहा है, पानी की शायद इसको ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही बारिश होगी तब शायद इसके अंदर फसल उग जाएगी। और मेरे जो रेन कैचर है भाई वो मैंने इसके नीचे लगा दिए हैं, लेकिन मुझे देखना ये है कि अभी भी इनके अंदर पानी भरता है या फिर नहीं भरता। और ये एक्स्ट्रा लॉग है इसको तो, ओ एलोवेरा, ये वर्चीन है भाई मेरे लिए गिफ्ट लाती रहती है, जो कि इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अब ना भाई रात का टाइम भी हो चुका है, अभी इतनी ज्यादा रात नहीं हुई है, ठीक ठाक रात हुई है, लेकिन लाइटें भाई जलना शुरू हो चुकी हैं। ये देखो भाई एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट, बीच में टॉर्चेस भी हैं, मतलब भाई हमारा बेस अब इतना ज्यादा बढ़िया हो गया। रात के टाइम कोई भी क्रीचर हमला कर दे कोई टेंशन नहीं है, आराम से भाई उसको हम हरा सकते हैं अब। तो मतलब भाई हमने बेस ना काफी ज्यादा बढ़िया कर लिया है। बाकी भाई आपको ये बेस मेरा कैसा लगा और आज की मेहनत भाई कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही एक और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय।